की कथा में आपको बोला था कि भगवान सुनिखे वटखे प्रेम लपटे अटपटे बिहसे। अब ये बिहसे क्यों? बिहसे करुण ऐन चित ही जानकी लखन तन। लखन और जानकी को देखा इस तरफ, लखन को और जानकी को देखा और कहा कि हंसने लगे। क्यों? इसके लिए दो कारण है, दो कहानियां, दो कहानियां ये है। भगवान राम जब विवाह नहीं किए थे, हम लोगों ने देखा भी था कि लक्ष्मण जी के अधिकार था सेवा करने का, पद पखारण पद सेवन। अब जब वो माता सीता का विवाह हुआ, रात वो आए, तब लक्ष्मण जी रात को आ रहे हैं, खुश रहे, और माता सीता कुछ बोल नहीं पा रहे। उनको पता ही है कि लक्ष्मण बहुत प्यारे हैं, और क्या कहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। कहते हैं आ रही है। अब ये अंतपुर में रात में लक्ष्मण, तो वो आकर के बस डायरेक्ट, भाभी जी आप बैठ जाइए, जो मेरा काम है मैं करके जाऊंगा। लक्ष्मण बड़ा फटाफट है, फटाफट बोल देता। तो माता सीता सोचा करके आ रही है, ये तो सहधर्मिणी का काम है, ये मेरा काम है। ना 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 भाभी जी, आप बहुत काम और भी काम है, आपको कोई जरूरत नहीं काम करने का, बाकी वो भी मैं काम करूं। और माता सीता कैसे समझाए लक्ष्मण को कि नहीं, ये मेरा धर्म है, स्त्री का धर्म होता है। तो उन्होंने कहा कि आप ही समझाए। राम कहते मैं लक्ष्मण को समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि उतना मैं प्यार करता हूँ, मुझे प्यार करता है वो, मुझे मेरा पैर दबाता रह रहा है, इसलिए मैं नहीं समझा पा रहा। कुछ आप एक काम करो, आप दोनों की जो कंप्लेन है ना, आपके दोनों की जो समस्या है वो गुरुदेव के पास लेके जाओ, क्योंकि हमारे ये परंपरा है, हमारे पिताश्री भी कुछ समस्या होते हैं गुरुदेव के पास जाते हैं, हम भी गुरुदेव के पास जाते हैं। देखो यही विशेषता है, गुरु को छोड़ नहीं रहे। तो गुरु के पास गए तो ना सीता जी और लक्ष्मण क्या हुआ, ना ऐसे ऐसे बात, ना गुरुदेव देखिए ना, आप ही भी जानते हैं मैं श्री राम जी के सेवा करता था, विश्वामित्र के साथ गुरु के साथ जब गया था, तब हम दोनों ने किया, फिर मैं करता था। और माता सीता बोल रही है कि उनको करना, ये कैसे होगा? सीता कह रही गुरुदेव आप तो धर्म के बारे में जानते हैं, स्त्री धर्म जानते हैं, सहधर्मिणी का धर्म जानते हैं, ये मुझे करना है। तो गुरु ने कहा एक काम करो, मैं भी तुम लोगों का प्रेम में बस हूं। ऐसे करते हैं कि जो दक्षिण पैर है ना वो लक्ष्मण ले ले, और जो बाम पैर है वो सीता ले। तो कहीं कहीं लिखा है कि भगवान राम खुद ये बांट करके दिया, कहीं कहीं लिखा है कि गुरुदेव ने दिया। ये हनुमान जी की भी कथा में भी ऐसी आती है। हनुमान जी जब आए, जब अभिषेक हुआ, सब दिखा कि हनुमान जी सब फटाफट 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 कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो लक्ष्मण जी को सेवा में मौका नहीं मिल रहा है, सीता जी को नहीं मिल रहा है, भरत को कुछ भी नहीं मिल रहा है, शत्रुघ्न तो और पीछे हैं। तो फिर इन लोगों ने क्या करेंगे, कहने तो सकते हैं राम जी को। तो जाके गुरु जी को कहा, गुरुदेव बड़े खुश हुए, कहा कि कलयुग में ऐसे समाज आएगा अपने पिताजी के लिए वानप्रस्थ में भेज देंगे, और चार चार लड़के पांच पांच लड़के होंगे, कोई रखने नहीं देंगे। मुझे भी कुछ पता है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अगर तीन लड़के हैं तो कहते हैं पिताजी माताजी तुम्हारे पास 4 महीने रहेंगे, मेरे पास 4 महीने, उसके पास 4 महीना, हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करेंगे। बोला अरे बाबा हिसाब क्यों करते हो, मगर कलयुग में होगा ऐसे। तो ये तृतीय की बात है, धन्य है ये परिवार कि यहाँ सेवा करने के लिए उतावला। उन्होंने बांट लिया, हनुमान जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये तो ऐसे ही आए थे बिना हनुमान जी को लेकर।
तो हनुमान जी ने कैसे किया तरक्की वो हम आपको परसों बताएंगे। स्वामी जी आप बीच में छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो सुंदरकांड पाठ है ना, उस समय बताए, और हम जानबूझ के ये परिवार के बारे में बता रहे हैं, हनुमान के बारे में तो उस दिन बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान राम हंस रहे हैं कि देखो लक्ष्मण लक्ष्मण को दक्षिण पैर का अधिकार था, सीता जी को जानकी को वाम पैर का अधिकार था। एक एक पैर के लिए तुम लोगों को कितना कसर करना पड़ा। अब देखो तुम दोनों के सामने ये दोनों पैर की सेवा ले रहा है और तुम लोग देख रहे हो गया। दूसरी कथा है, याद दिला रहे, क्षीर सागर भगवान विष्णु स्वयं है और लक्ष्मी सेवा कर रही है। जब लक्ष्मी सेवा कर रही है तो एक कछुआ था, उस कछुआ के मन में आया मैं भी कुछ सेवा करूं। अब ये कछुआ भगवान की सेवा करेगा, कहा लक्ष्मी राजी होंगे क्या? तो उन्होंने पानी में, समुद्र के जो पानी में ऐसे ऐसे भगा दिया। कछुआ ने सोचा कि माँ शायद अपने स्वार्थ हो रही है, पत्नी देना नहीं चाहती है, चलो शेष नाग जिसके मस्तक में कुछ धारण कर रहे हैं हम भी ऐसे कुछ कर ले। तो वो शेष नाग के पास आए, जब शेष नाग को उसने फुर्त कर कर भगा दिया। अब इधर आए उधर आए तो ने कहा कि प्रभु कुछ तो मदद करो, ये दोनों ही आपके भक्त परम भक्त है, दोनों ही आपके सेवा कर रहे हैं और मुझे सेवा करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। मैं घोर तपस्या करूंगा, मैं ऐसे सेवा करूंगा कि ये दोनों खड़े रहेंगे और खड़े रह के देखते रहेंगे और मैं इनके सामने सेवा करूंगा। तो यही कछुआ ही केवट बना था। इसीलिए कहते हैं, एक उड़िया में एक रामायण है, उपेंद्र बंजर उन्होंने लिखा, विज्ञानी कैवर्त को बोइला। ये अर्थ क्या होता है? विज्ञान में वो ज्ञानी था, उसको ज्ञान था कि ये भगवान है, वो तो लीला कर रहा था। विज्ञानी कैवर्तक, कैवर्तक संस्कृत शब्द है, केवट बोइला मैंने कहा है। तो सोचो वो पूर्व जन्म में एक था, इसलिए भगवान हंसते हैं कि देखो जो तुम लोगों ने दोनों ने कछुआ, लक्ष्मण तो अनंत नाग है शेष नाग, और माता सीता लक्ष्मी, दोनों ने मना कर दिया था, उसने घोर तपस्या किया। इसका अर्थ क्या है कहानी में? भगवान सबका, अभी तो मुझे भागवत में यहां पर भी मैं ले चुका हूं हर महीना, वहां तो डेली ले रहा हूं अभी सवेरे। इतना सुंदर भागवत में सप्तम स्कंद में नवम अध्याय में प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं, प्रहलाद स्तुति बहुत ही सुंदर, उसमें यही कह रहे, प्रभु मैं तो एक तामसिक व्यक्ति हूं, मैं असुर का बेटा, प्रभु आपने ब्रह्मा जी को भी अपना हाथ उनके सिर में नहीं डाला। लक्ष्मी यदि हालांकि आपके हृदय में बैठ गई है और आप लक्ष्मी को भी सिर में, उनके सिर में हाथ नहीं डालते हो, शिव जी को भी नहीं डालते, तो जब अवतार होता है आपका प्रभु राम अवतार होता है, कृष्ण अवतार होता है, तो शिव जी को कोई बहाना करके जाना पड़ता है वहां, और वहां जहां बहाना करके जा करके आपको ज्योतिषी बनकर देखते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो इसका जो तुम्हारा जो बेटा है ना दशरथ ना, हाँ उसका जो धूल अगर मैं रखूंगा तो तुम्हारा बेटा का कल्याण होगा। और कृष्ण के समय में तो जाते हैं तो जानबूझ करके भगवान क्या करते हैं, बुखार हो जाता है, जमाई लेते हैं, तो वो ज्योतिष कहता है एक दवाई है मेरे पास, चारू चूरण है ना, क्या ना इनका जो धूल अगर मैं जटा में रखूंगा ना, ये क्या बात है, उल्टा होता है ये, कोई ज्योतिषी का धूल उसमें जाता है ना, ना ये हमारे जो ज्योतिषी है ना उल्टा ज्योतिषी, ये हिमालय का ज्योतिषी है उल्टा ज्योतिषी, ऐसे शिव जी को करना पड़ रहा है। प्रभु आपने मुझे आपका वरद हस्त रखा, ये क्या कम भाग्यवान हूं मैं, सोचिए तो, क्योंकि इतना भयानक रूप है। ब्रह्मा और नारद जी लेट लिया, ब्रह्मा ने कहा कि मैं किसको भेजूं, तो लक्ष्मी को भेजते हैं।
लक्ष्मी कहते नहीं शांताकारम भुजंग शयनम, मेरे जो पतिदेव है शांताकार, और ये तो क्रोधाकारम देखंतम डरंतम, पूरा देखते ही डर लगता है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। कोई नहीं जाता है, ब्रह्मा जाते हैं और ये डर नहीं रहा, ये ऐसे हाथ जोड़ करके छो, तो कहीं 5 साल लिखा है, कहीं 7 साल, कहीं 8 साल, इतना नहीं। अक्षयन 7 साल बोल, 7-8 साल का लड़का खड़ा है, देख रहा, देख नहीं पा रहा है, और उसको बोल रहे बेटा तुम्हारे कारण ही आए हैं, तुमको रक्षा करने के लिए ही तुम्हारे पिताश्री को उन्होंने ताक दिया, तुम ही जाओ उनको स्तुति करो। तो वो चले जाते हैं और स्तुति भी कर, स्तुति में ही। तो भगवान कहने का मतलब क्या है, भगवान सबका है। इस केवट के प्रसंग में, कछुआ के प्रसंग में ये कहना चाहते हैं भगवान, भगवान सबका है, भगवान केवल दशरथ का नहीं है, भगवान सबका है। इसका प्रमाण है कि अभी वन के जंगल में भिल्ली है, लोग किस प्रकार के देखते हैं, अभी उस प्रसंग को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भगवान बढ़ते बढ़ते भगवान भरद्वाज आश्रम के आते हैं। ये थोड़ा सा कल का प्रसंग है, भरद्वाज आश्रम में आते हैं और वहां पर भरद्वाज आश्रम में भगवान उनको रात में रुकते, भगवान जब जाते हैं वनवास में बहुत कम जगह पर रुकते, अलग अलग जो आश्रम, तो भरद्वाज के आश्रम में रुकते हैं, बाद में भरत जी भी आके रुकेंगे और उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। 4 ब्रह्मचारी को देते हैं शिष्य के का पूर्व रास्ता दिखाएंगे, तो ये 4 शिष्य ही 4 वेद है। तो उसके बाद एक तापस के होता है, यमुना नदी पार भी करते हैं प्रभु। फिर उसके बाद बढ़िया सुंदर प्रसंग है उसमें, ये जब यमुना नदी गांव की तरफ चलते हैं जंगल में, तो भिल्ली लोग आते हैं और भगवान राम देखते हैं कि सब लोग क्या हो रहे हैं, सब लोग भीड़ भाड़ हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और दोपहर का समय, जैसे जैसे दोपहर का हो गया, माँ जानकी के पसीना हो रहा है, चलने की तो आदत है नहीं, तो उन्होंने अनुभव किया कि थकान हो गई है, और इधर ये लोग देखने के लिए भी चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते, लक्ष्मण कहीं कोई वृक्ष जो छाए है, इसका अर्थ धूप हो रहा था, तो जो छाए है वहीं पर थोड़ा रुक जाओ, और तो तुरंत रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तब एक देखी बट छाए भले द्वासी मृद रत्र न पान, कहीं गवाई अछिन कुस्तम गवन वही के पात। तो अलग अलग आप ढूंढो मत, आप चिंता मत करो, बिल्कुल ढूंढो मत, हम आपको सिलेबस देने के बाद क्यों आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, हम तो सिलेबस आपको दे दिए, इतने इतने सिलेबस है, उसको पढ़ाई करो, वो सबसे डिसिप्लिन स्टूडेंट है, आप आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रहे हैं, टीचर तो पढ़ाएगा ही आउट ऑफ सिलेबस का, और सिलेबस तो दे दिया कि क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, सिंपल है, ठीक। तो क्या होगा, आपका मन भी रहेगा, नहीं तो मन क्या होगा, सुनने में नहीं रहेगा, फिर मन ढूंढने में रहेगा, आराम से सुनो। तभी क्या हुआ, कोई आते तो माता सीता को छू करके सब ले जाते हैं, जो गांव के औरत हैं, और औरत के लेके जाते हैं, और इधर जो पुरुष लोग है वो उनके पास जाते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण। उसके बाद एक कलश में पानी ले आते हैं, एक कलश भरिया नहीं पानी अथनाथ कहे मुदे पानी, इस प्रकार के होता है। फिर विश्राम करते हैं, विश्राम जब करते हैं राजकुमारी को पूछते हैं, पानी खाने पीते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, राजकुमारी विनय हम करहि
यो स्वभाव कछु पूछत डरई। राजकुमारी, हम स्त्री के स्वभाव से थोड़ा डरते हैं पूछने के लिए, और हम विनय करके हम पूछे ना क्या, ये जो दो है ना इसमें से कौन है। श्यामल गौर, श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन, सरद सरोवरी नाथ मुख सरद सरोवरीन। ये जो श्यामल और गौर वर्ण है दोनों, ये कौन है ये? तो उसमें वर्णन है के भगवान राम के सुंदर वर्ण, कोटि मनोज लजावन हारे सुमुख कहो को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल वाणी सकुच सिय मन मोह मुस्कानी। तो वो बोल रहे हैं क्या इन दोनों में से कौन है, बताओ ना तुम्हारा स्वामी कौन है। तो सीता जी बड़ा सुंदर में क्या कहते हैं, बहुरी बदन विधु अंचल खाके प्रियतम चित मोह कर बाके, खंजन मंज तेरे छे नयन मिहि निज पति कहो तिना सिय सनहि, सहज स्वभाव सुभगत न गोरे नाम लखन लखु देवर मोरे। भगवान राम के लिए दिखाते नहीं, कहते ये जो गोरे है ना ये मेरे देवर है, तो ऑटोमेटिक पता लग गया ये शैली है। ये अर्थ क्या है, परमात्मा को आप तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते, डायरेक्ट परमात्मा के बारे में निर्गुण निराकार के बारे में जान नहीं सकते हो। अनिता चुपचाप बैठो तुम, डोंट बी डिस्टर्ब। तो परमात्मा के बारे में डायरेक्ट जान नहीं सकते, जीवात्मा के माध्यम से जान सकते, और जीवात्मा कौन है, आचार्य के माध्यम से। तो आचार्य के माध्यम से जान सकते हैं, इसलिए माता सीता क्या करते हैं, लक्ष्मण के दिखाते हैं। तो इस प्रकार क्या आगे बढ़ते हैं, मधुर वचन कही कही परे थोसी, जनम को मुदिनी को मदेवानी कब ही लखन रघुवर रुख जानी। फिर क्या हुआ, सांझ हो गया, बातचीत हो गई, जरूर एक डेढ़ घंटा समय बिताया होगा, एक डेढ़ घंटा सब लोगों को लगा कि एक मुहूर्त हो गया, क्योंकि छाया आ गई और सूरज ढक रहा है, अब यहां नहीं रहना है। तो लक्ष्मण तो देखो बड़ा सुंदर चौपाई है, क्या तब ही लखन रघुवीर रुख जानी, चौपाई रघुवीर रुख जानी, रुख माने भगवान की इच्छा, रघुवीर की इच्छा लखन जान लिया। तो शिष्य कौन है, जो गुरु की इच्छा को जान, उत्तम शिष्य। भक्त कौन है, जो भगवान की इच्छा को जान। तो जान करके क्या किया उन्होंने, पूछे मनो लोग मृदवानी। लक्ष्मण जी ने जानबूझकर लोगों को पूछा, सदर उनको भी अच्छा लगेगा कि ये, ये, ये और जंगल जाने के लिए कौन सा रास्ता है, जाने के लिए और कौन सा रास्ता है। या डायरेक्ट भी पूछा होगा कि वाल्मीकि आश्रम हमें जाना है, इसके बाद वाल्मीकि आश्रम की बात आ रही, तो वाल्मीकि आश्रम जाना है। अभी आप लोग जो उतावला हो रहे हो ना 124 में है, वो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपका उतावला को देख पा रहा हूँ। तो जैसे कैसे उतावला को देख पा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल है कि चावल गर्म पानी है और चावल या सब्जी डाला हो और वो उबटो उबटो हो रहा है जैसे बाहर आने के लिए, तो आपका भी मन बाहर आने के लिए उतावला हो रहा है। तो इसलिए पढ़ने के लिए 124 निकालो। अब क्या हुआ, आगे बढ़ रहे हैं, सुंदर आश्रम। ये आश्रम के बारे में बहुत ही बढ़िया है, जब जब हमारे स्वामी सुबोधानंद जी इसको लेते थे, मुझे याद है
वो आश्रम के बारे में लेकर के सिद्ध वाटिका बता देते, हम भी पटियाला का कुछ कम नहीं है, हम भी बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये है आश्रम किसे कहते हैं, मैं बार बार इसको लेकर भी बोलता हूँ, आश्रम और सेंटर में फर्क क्या। सेंटर कोई केंद्र, जैसे यहाँ पर हुआ ना, कोई कहता है वो रेलवे स्टेशन फाटक के बाद पास हुआ था, हम जगह देखने के लिए, वो सेंटर बनता, ये है आश्रम। ठीक है, तो ये जो आश्रम कैसा है पता चलेगा, थोड़ा सा समय जाएगा, बड़ा मजा लगेगा। 124 सूची सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नई सुनि रघुवीर आगमनो मुनि आगे आये उठे। उसके बाद मुनि बर अतिथि, रेडी है सब लोग? अनीता रेडी, जनक अम्मा रेडी, ढूंढ रही थी वो, मुझे सब पता है क्या करो, किसका हो रहा है, क्या होता है। 125 जिसके पास किताब नहीं हो रेडी, जिसके पास किताब नहीं, मुनि कह राम दंडवत के नाम, मुनि कह राम दंडवत के नाम, आशीर्वाद दे प्रवर दिन्हाम, आशीर्वाद दे प्रवर दिन्हाम, देखे राम छवि नयन जुड़ाने, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आया, सुंदर वन तालाब पर्वत देखते हुए जब विदाई लिया वनवासियों से, वन जंगल में प्रवेश किया, तालाब में प्रवेश, तालाब को क्रॉस किया, पर्वत को आश्रम में, आश्रम देखिए कितना सुंदर है, क्या है, राम दीख मनो वास सुहावन सुंदर गिरी का ननु जल पावन, चित्रकूट है, जो चित्रकूट गए हैं ना वो वाल्मीकि का आश्रम भी है, और अभी तो बहुत ही सुंदर सुंदर आश्रम बन गए हैं, कथा भी होती है, और सरनी सरोज सरोवर में कमल है, आश्रम में है तो तालाब होना चाहिए, तो सरोवर में कमल है, वनों में वृक्ष फूल है, मकरंद रस में मस्त भोरे भी है, फूल भी है, तो फूल अर्थात आश्रम ने ये सब चीजें होनी चाहिए, फूल है, सरोवर में कमल है, वन में वृक्ष है, बहुत से पक्षी
पशुओं कोलाहल कर रहे हैं और आपस में कोई भेद भाव नहीं है। अर्थात उस तालाब में बाघ भी आता है पानी पीता है और हिरण भी आता है पानी पीता है। अभी कभी कभी ना आजकल वायरल बहुत हो रहा है, वो सिंह के ऊपर एक छोटा सा बिल्ली का लड़का माने ये छोटा सा और शिशु कुत्ता का शिशु ऊपर चढ़ जाता है और उसको चढ़ता रहता है, सिंह कुछ नहीं करता। कितना सुंदर क्या वहां प्यार है। तो सोची सुंदर आश्रम सर्व सरोज बताया गया है और ऐसे आश्रम में प्रभु पहुंचते ही वाल्मीकि जी को दंडवत किया। देखो भगवान राम अवतार है मगर अभी मनुष्य धारण किए हैं, रोल करता रोल को जानना चाहिए। तो उन्होंने प्रणाम किया और भगवान राम जब प्रणाम किए तब मुनि ने आशीर्वाद दे दिया। फिर उसके बाद फल मूल मंगाया। कोई कहते हैं नहीं 14 साल तो कुछ खाए नहीं, ऐसे नहीं खाए थे, फल मूल ही खाए, कहीं कहीं पकवान भी खाते थे जो पकाया हुआ माता सीता बनाती थी, मगर लक्ष्मण जी पकवान भी नहीं खाते थे। तभी ही वो वरदान उनको मिला था और मेघनाथ जो इंद्रजीत है उसके लिए था कि ऐसे जो 14 साल खाया नहीं है और 14 साल सोया नहीं है वो ही मार सकता। तो इसलिए इस दृष्टि से कहा जाता है सिर्फ फल ही खाते थे और सोते तो थे नहीं। अनेक अनेक पुराण में वर्णन है वो सोते नहीं थे, रात सारा कहीं राक्षस न आ जाए जागृत प्रहरी के रूप में रहते थे। तो फल मूल खाए और उस सबरी के प्रसंग में हम देखते हैं देखेंगे कि भगवान राम खाते हैं और ये झूठा दे रही है सबरी, झूठा दे रही है तो भगवान आराम से खा रहे। तो देखा कि लक्ष्मण खाने गए, लक्ष्मण को भी दे रहे, लक्ष्मण नहीं खा रहे तो वो क्या कर फेंक रहे। और क्या ना भगवान ने थोड़ा सा खाया, लक्ष्मण ये फल बहुत मीठा है ना, भगवान के दिया हुआ तो फिर खाना पड़ा। ऐसी ही बातें हैं सब आती रहती है रामायण में। और आगे वाल्मीकि बहुत पास में बैठे बातचीत किया, भगवान राम ने प्रशंसा किया। तथा हम बढ़ते हैं इस वाल्मीकि प्रसंग को, मिनिमम हम लोग चिन्ह मिशन में प्रसंग को लेकर जो प्रसंग है लेकर के ये केवल प्रसंग है 5-6 दिन लिया जाता है। लक्ष्मण गीता विभीषण गीता ये भी एक है, इसको भी मैं लेता हूँ। 14 स्थान बताते हैं, उसमें पूछते हैं कि गुरुदेव आपको पता ही है कि मैं पिताजी के मुनि तापस जिन दे ही, तो उस प्रकार के अलग अलग सब बातें होती है और पिता के मातु वचन पुनि तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराव। देखिये 3 चीजें क्या है, तात वचन पिताजी का वचन, फिर मातु हित माता का हित माने यहाँ कैकेयी का हित, कैकेयी माता है जो चाहती थी और भरत को राज्य चाहिए तो बस इसी के लिए मैं आया हूं। और चौथा है आपका दर्शन, ये मेरा वनवास जाने आने का क्या प्रयोजन है कि ये सब प्रयोजन है वो आप जैसे संत का दर्शन होना, ये मेरे पुण्य का प्रभाव है। इसलिए अभी आज्ञा दीजिए कि ऐसे जगह पर मैं रहूं जहां पर कोई उद्विग्न न हो। तो भगवान ने पूछा कि ये बताओ तुम कहां नहीं हो। फिर 14 स्थान बताते हैं, इसका अर्थ ये है कि फिर पूरा वेदांत दर्शन में बता देते हैं परमात्मा तुम हो, तुम सर्वव्यापी हो, तुम जगत के दृष्टा हो, जगत देखन तुम देखन हारे, विधि हरि संभु नचावन हारे, तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हो। देखो विष्णु को भी नाम ले लिया, विष्णु को अवतार हम बोलते हैं और वो विष्णु का भी नाम ले लिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचावन हारे। अर्थात आप ईश्वर है, श्रेष्ठ है, ब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, आप ही अभी बनकर राम बनकर के आए हो और आप चिदानंदमय थे, तुम्हारे आप खुद चिदानंदमय हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। आप मुझे पूछ रहे क्या, आपको पूछ रहे रहना है, पूछ रही मोही के रहूं कहूं, मैं पूछ तो सब कुछ आए प्रभु, मैं पूछ रहा हूं
जहां न हो तहां देह कहीं तुम्हें दिखावो उठाओ। प्रभु आप मुझे पूछ रहे कहां रहना, ऐसे कर रहे आप जहां ना हो बता दीजिए मैं बता दूंगा स्थान, आप कहां नहीं है। अब मुनि के प्रेम भरे स्नेह भरे बड़ा सुंदर मुनि सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, ये तुलसीदास जी महाराज साने शब्द बहुत बार जोड़ेंगे। साने का अर्थ है सना हुआ, जैसे रसगुल्ला में एग्जांपल दूंगा, रसगुल्ला का क्या होता तो ये जो छेना है उससे रस में जो सना हुआ है तो ऐसे रस मलाई भी है। तो इस प्रकार के हैं प्रभु, आप उनकी बात सुन के बड़े खुश हो गए और फिर राम जी को कह रहे हैं सुनो 14 प्रकार के भक्त कहते हैं जो आप किस किस के किस में रहेंगे बाद में सब कहने के बाद। ये 14 प्रकार का भक्त बहुत ही सुंदर है, कभी हम 5-6 दिन इसी का ही प्रसंग लेंगे तो उसके बाद क्या होता है। 14 प्रकार के भक्त क्या आप हृदय में रहते हैं, जो भक्त इस प्रकार जो पूर्ण रूप में कर्म समर्पण करते थे आपको उन्हीं के वो जो प्रथम तो बहुत ही सुंदर है। कहते हैं प्रभु वो कौन है कि सुनो राम अब कहो निकेता जहां बसो उसी लखन समेता जिनके श्रवण समुद्र समान। वो आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा हम लोगों के बारे में समझे बताए, थोड़ा सा अच्छे से बताए तो जाने दीजिए टाइम, कोई चिंता नहीं, अगर हमारी बात में आ रही है तो बोल दीजिए। बता रहे हैं जिनके श्रवण श्रवण समुद्र समान, अर्थात जो भगवान की कथा सुनना पसंद करते हैं। हाँ एग्जैक्ट समझे आपने, ठीक कहा, हम लोग है ना सुनना चाहते हैं। जिनके श्रवण जिनके कान माने भगवान की कथा सुनने के लिए, और कैसा है समुद्र समाना। समुद्र क्यों कहा, अरे समुद्र में जितना भी पानी आए कभी बाढ़ होता है क्या, नदी में बाढ़ होता है समुद्र में बाढ़ नहीं होता है। ऐसे ही जितने के बहुत लोग कहते हैं ओह इतना क्लास लोग तो कैसे हम सुनेंगे, और भी दिल मांगे और ना क्या है दिल मांगे मोर। अरे मोर बोले एमओआरई में ज्यादा, तो इसका अर्थ ये है तो जो श्रवण में केवल और चाहे और चाहता है वो परम भक्त है। नंबर वन ऐसे कहते कहते हो गया ना आपको। फिर जो समर्पण करता है और रोज जो पूजा करते हैं घर में जब खाना बनाते हो और वो लेकर के भगवान को समर्पण करते हो तो ऑटोमेटिक आप फिर इधर उधर के खाना नहीं खा सकते, मांस मछली खा नहीं सकते हो, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपको भगवान को देना है, भगवान थोड़ी प्याज लहसुन खाते हैं। वैष्णव संप्रदाय में बहुत नियम है और भोजन करते समय भगवान का नाम कृष्ण 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 करके फिर तुलसी पत्ता नहीं होगा तो खाना नहीं खाएंगे। मेरे साथ एक वैष्णव साधु गए थे मानसरोवर है तो उन्होंने तुलसी पत्ता को सुखा कर पीने, पंडित जी भी रखते हैं तो तुलसी पत्ता को सुखा करके रखते कहीं में फल डालते हैं ये भाव। तो इस प्रकार के जो भक्त है इसे उनके अंदर तुम रहो। लास्ट में कह देते हैं व्यवहार के दृष्टि से देखो तीन प्रकार के वर्णन हुआ, एक होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म, आप निर्गुण निराकार ब्रह्म है चारों तरफ है, और एक है सगुण निराकार ईश्वर, जो ईश्वर भगवान के सब जगह पर जो जगत को बनाया चार प्रकार है, और एक है अंतर्यामी के रूप में जो 14 प्रकार बताए आप उनके अंदर रहो माने उन्हीं के अंदर आप अनुभव करते हैं। सवेरे हम बता रहे थे भगवान के एक दूसरा का नाम है त्रिजुगी, त्रिजुग तो भगवान विष्णु प्रहलाद स्तुति कर रहे प्रभु आप त्रिजुग है, नवम अध्याय में सप्तम स्कंद में ये कैसे त्रिजुग बोल दिया, आप तीन युग में प्रकट होते। अच्छा सत्ययुग में द्वापर युग त्रेता युग में द्वापर युग में प्रकट होते इसलिए आप त्रियुग में, और कलयुग में न कलयुग में आप छन्न अर्थात अप्रकट रूप में प्रकट होते। सिर्फ दो ही तो अवतार है कलयुग में, एक है बौद्ध अवतार जो हो गया है और एक है कलयुग अवतार जो बहुत दूर है। तो जो बौद्ध अवतार है वो इस प्रकार के अवतार होकर आया कि सब लोग नहीं मानते उनको, उनको नास्तिक भी कहते, वेद निंदक नास्तिक
वो प्रच्छन्न रूप में उन्होंने वेद के जो निंदित कर्म है, जो हिंसा है, उसको दूर किया। तो उनको भगवान, जो बौद्ध धर्मावलंबी होगा, बुद्धिस्ट होगा, जैसे हम लोग सिद्धवाड़ी में, धर्मशाला में और गया में, बुद्ध गया में, फिर श्रीलंका में, अलग अलग जापान में और कोरिया में, जहां जहां बौद्ध था, भगवान बुद्ध तो गए थे। सिंगल में तो उनका बेटा राहुल गया था। तो इस प्रकार के, और जो बेटी है वो भी गई थी, प्रचार करने के लिए गए थे तब है। मगर भारतवर्ष में भगवान राम और कृष्ण के कंपैरिजन में उनको भगवान नहीं माना जाता है। तो कलयुग में भगवान अप्रच्छन्न रूप में, अप्रकट रूप में आते हैं। उनकी लीला, उनकी कथा इस प्रकार के, जैसे राम और कृष्ण के हुआ है, ऐसे नहीं होती। और जो कल्कि भगवान आएंगे ना, अभी कौन से युग चल रहा है? कल्कि युग, कलयुग। अभी कलयुग के कौन से उम्र चल रहा है? आप बोलोगे सोनी 2022 ना, कलयुग। कलयुग माने भगवान कृष्ण जब शरीर त्याग किया, द्वापर युग खत्म, कलयुग स्टार्ट। 5122 चल रहा है भगवान, जस्ट 5122 साल से पहले शरीर त्याग किया। तो 5122 कलयुग चल रहा है। कलयुग का आयु है 4,32,000। माइनस 5122। मैं थोड़ा दया करके राउंड फिगर कर देता हूँ, 6,000 राउंड फिगर कर। ये हमारे फाइनेंस की बात है, राउंड फिगर। तो 6,000, तो 4,32,000 से माइनस 6,000 इक्वल टू 4,26,000 और बाकी। वर्णन है क्या कि कलयुग के तृतीयांश के बाद, माने 3,72,000 के बाद, शर्मा के संबल ग्राम, दक्षिण के संबल ग्राम में एक शर्मा करके पिताश्री होंगे, उन्हीं से और मां मध्य ब्राह्मणी बहुत तपस्वी होंगे। कल्कि भगवान अवतार जन्म लेते ही, थोड़े से बड़े होने के बाद, छोटे माने बड़े हो जाने के बाद, तुरंत चले जाएंगे हिमालय में तपस्या कर। जब 4,32,000 खत्म होने वाला होगा, भगवान आएंगे और आकर के सब लेच्छों को मारेंगे। लेच्छो देहधारी कहते हैं, लेच्छों को मार करके देन एक एक संतों के जो बड़े भाई है बाथापी, वो अभी बद्रीनाथ के कालापी ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ जब जाओगे, कालापी ग्राम भी है दिल्ली, वो बद्रीनाथ जब ठंड होता है तो वो आ जाते हैं, उसी सूक्ष्म रूप में तपस्या कर रहे हैं। क्या वर्णन है शास्त्र में, सोचो तो समझिए लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। तो वो कर रहे हैं, उन्हीं को वो इस कलयुग के बाद, अभी जो कलयुग चल रहा है, सत्यों का पहला राजा वो, ऐसा सब सेटिंग है। कौन कब क्या बनेगा सब सेटिंग है। वो नास्त्रे दलना क्या है, वो बोल रहा है ना, ऐसा होगा, युद्ध होगा, ये होगा, वो मोदी जी आएंगे, वो आएंगे, कितने दिन रहेंगे, भारत क्या होगा, क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर तृतीय विश्व महायुद्ध क्या होगा, फिर चतुर्थ कैसे होगा। एक को पूछा, आइंस्टाइन को पूछा कि आप तृतीय महा विश्व युद्ध के बारे में बता सकते हैं? हाँ, तृतीय तो नहीं बता सकते हैं, मगर चतुर्थ फिर तीर से शुरू होगा। अर्थात ये जो मिसाइल है, ये जो एटॉमिक बम है, वो सब खत्म हो जाए, फिर आदिम मनुष्य है। ऐसी कथा है, सोचो। तो त्रियुग इसलिए कहते हैं कि कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते। अब कलयुग में कल के अवतार आएंगे सिर्फ एक ही काम के बाद, उसके बाद चले जाएंगे। तो फिर कलयुग में समय जब अवतार नहीं आएंगे अच्छे से, हम करेंगे क्या? यही जो कर रहे हैं, जो त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्ययुग में अवतार हुए हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनके चरित्र, उनके धाम गाना ही। राम नाम एक लंबन एका, राम नाम एक लंबन एका, राम नाम से मुक्ति हो जाएगा। कलयुग को पावर दिया गया, कलयुग को दे दिया गया है। भगवान नहीं आएंगे, भगवान को देख नहीं सकते हो, मगर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के कथा जब करोगे, सुनते रहोगे, इससे मुक्ति हो जाएगी।
इसीलिए तो भारतवर्ष से लेकर अलग अलग जगह पर ये भगवान की कथा चलती रहती है, ये विशेष ठीक है। तो निर्गुण निराकार हो गया, सगुण निराकार हो गया, फिर अंतर्यामी हो गया, अभी सगुण साकार रूप में जो दशरथ के बेटा बनकर के आए हैं, कहते हैं हे राम चित्रकूट चित्रकूट गिर करभ निवास डायरेक्ट बोल देते हैं आप चित्रकूट में जाकर के निवास कीजिए, तह तुम्हार सब भात सुपासु वहां अच्छा लगेगा। चित्रकूट महिमा मित कही महा मुनि गाय आई नहाए सरित बर सिय समेत दुरुपाय। मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट कौन कौन गए हाथ उठाओ, कोई कल्पना संकल्प करो, रामचरितमानस वहीं करेंगे वहां कैंप भी हो जाएगा और चित्रकूट में कथा भी हो जाएगी। तो बड़ा सुंदर, मैं मिनिमम 5-6 बार गया और एक बार रुका रात में, फल तो जो कम जो ये परिक्रमा है ना, परिक्रमा करने बहुत ही सुंदर काम्यक बन। तो चित्रकूट में वहां रहे, नदी पनच सर समदस दाना सब बड़ा सुंदर वर्णन है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, भगवान देवता लोग कील बनकर आए और पर्ण कुटिल बना दिए, लक्ष्मण जी के लिए अलग है, माता सीता और राम जी के लिए अलग पर्ण कुटिल बहुत ही सुंदर बनाया। फिर इस प्रकार के सत्संग होता रहा, सुनते सुनते सब साधु संत आने लगे, साधु संत सब मिल करके सुंदर किया है। उसके बाद आप लोगों का क्या सिलेबस है 142 आप लोग मुझे छोड़ते रहे हो ना, इसलिए मुझे भी सिलेबस के अनुसार जाना पड़ता है, नहीं तो आप क्या ढूंढते रहते। हाँ अभी क्या बात सुनी, सुनो सुनो अभी हम बताएंगे आपको, चिंता मत करो। ऐसे में कहा हाथ लेके लेके चलूंगा, चलो आप दोनों मत बढ़िया मस्त यहां तक ना। कहते निषाद राज को भगवान ने विदाय दे दिया, सुमंत्र को पहले विदाय देते, रथ भी बीच बीच में देखते ही रहते थे। अब क्या हुआ, जब से निषाद राज आए तब तो देखा कि सुमंत्र गए ही नहीं, इतने दिन 2-3 दिन हो गया और यही पड़े रहे। उसके जो मंत्री विकल दिलोक निषादु कहीं न जाए जस भयो विषादु, बहुत दुख हो गए। तब हम लोग पढ़ते हैं 142 न हित्र न चरल न पियई, घोड़े की क्या दशा है देखो, घास न चरते न पानी पी रहे, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। रामचंद्र की घोड़ों को इस प्रकार दशा देख करके निषादु व्याकुल। अब हम पढ़ते हैं धरी धी रज तब कहो निषादु, ठीक है। धरि धीरज तब कहय निषादु, व्याकुल होकर के उनको कहा सुमंत्र जी आपको भगवान श्री राम इतना महान
महानता देते हैं, पूज्य मानते हैं, सम्मान देते हैं, क्या बड़े ज्ञानी हो आप, धैर्य रखिए। अब ये जो विषाद है छोड़ दीजिए, आप पंडित हो, परमार्थ ज्ञानी है, आपको खुद दशरथ जो धार्मिक है, सत्य के वचन पालन करने के लिए अपने पुत्र को भी त्याग दिया, उन्हीं के मंत्री है, इसलिए विधाता का प्रतिकूल जान करके आप चले जाइए। कोमल वाणी से इतना सुंदर से कहा, सुमंत्र को रथ पर बैठाया। सोचो इसी दशा में सुमंत्र सोच रहा, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या मुंह दिखाऊं दशरथ जी को, राजा घोड़े भी तड़पड़ा रहे हैं, मानो जंगल के पशु भी इस प्रकार के भावना आ रहे हैं। जो कोई राम लक्ष्मण जी का नाम लेता है वो घोड़े इकर इकर करके उनको देख लेते हैं, अगर राम राम करके अगर आवाज आती तो घोड़े देख रहे कि आगे क्या, ऐसे प्यार है। निषाद राज सुमंत्र को रथ में बैठाया, फिर आगे तक विदा भी करवाया, और विरह दुख क्या बताऊं। अब सुमंत्र को जो व्याकुल है, वो उन्होंने सोचा कि रघुनाथ को लेने करके मेरा जीवन ही बेकार है, धिक्कार है, मुझे मैं किस मुंह से भी जाऊं, मैं कैसे जाऊं, ये प्राण अपयश और पाप के कारण ही ये होगा, मैं कहीं भी जाऊं मुझे पूछेंगे तुमने क्या किया, हमारे प्राण धन राम को छोड़कर आ गए, तुम कैसे मंत्री हो, मंत्री हो जो मंत्रणा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, तुम कैसे जो भगवान को दूर करवा रहे हो, गुरु उसी को कहते हैं, मंत्री उसी को कहते हैं जो भगवान से जुड़ा है, तुम तो भगवान से ही विरह करा दो। अक्रूर जब आए, गोपियां कहते हैं ये अक्रूर नाम इन्होंने किसने दिया, हमारे कृष्ण से कान्हा से अलग करवा रहे हैं, ये तो क्रूर है, ये हटाओ इससे। ऐसे ही यहां पर जो इसलिए धर्म के नाम सुमंत्र जी क्या मुख का रंग बदल गया, कैसे करें, सांझ जब हो गया, रात हो गया, सब अपने अपने घर में रहेंगे, तब डरमा के धीरे से वो अंदर घुस गए, और जाकर के उन्होंने डायरेक्ट, उनको पता था कि अभी दशरथ जी कौशल्य के महल में, उनको पता था। कथा इस प्रकार है, वो दशरथ ने जब भगवान राम गए तो कहते मैं तुमको अभी ही जीवित ही तुमको त्याग करता हूं। कहीं कहीं कथा होती है कि जब मूर्छा से जीवित हो गए तो राम 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 करके बाहर आ गए और रथ के धूल चले गए तो वहीं पर मूर्छित होके पड़ गए। फिर माता कौशल्या सुमित्रा दासी लोग लेके गए तो कई कई को छूने के लिए भी मना किया था, छू मत। फिर कौशल्या अपने महल में लेके गए तो उनको पता था, तो कौशल्या के महल में गए, सुमंत्र को, सुमंत्र पकड़ लेते हाथ में, कहो राम कहाँ है। सुनत भयो व्याकुल नृपति कहो सुमंत्र कह राम, राम कहाँ है बताओ ना। राजा ने सुमंत्र को हृदय में लगा दिया, तू मेरे राम को लाए हो, जैसे कोई समुद्र में डूबता हुआ को सहारा मिल जाता है। तो राम कुशल, राम के बारे में बताओ, राम कुशल को सखा सा नहीं, बताओ राम कैसे हैं, तो ये बता दो। और सुनते ही मंत्र के नेत्र में जल भर आया, मैं क्या बताऊं, किस प्रकार के बताऊं, शोक से व्याकुल होकर के फिर राजा पूछने लगे, कहू सिय राम लखन संदेश संदेह, संदेश तुम बताओ ना उनके बारे में क्या है। इसको हम पढ़ते हैं 148, भूम सो मंत्र ले नुरलाए, भूम सो मंत्र ले नुरलाए, मूरत कछु आधार जनु पाए, मूरत कछु आधार जनु पाए, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत
कहते बताओ तुम वापस लेके आए ना जंगल चले गए। सुमंत्र सुन क्या उत्तर दो, जो मैं सोचा था दो तीन दिन तक रुक कर तक नहीं आऊंगा यही हुआ, केवल निषाद रास के भावना से मैं आ गया और रात में पहुंचे तो यही भाव है। शोक से व्याकुल होकर के फिर राजा पूछने लगे सीता राम लक्ष्मण के संदेश तो कहो। श्री राम के रूप गुण स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच गए। देखो एक पिता एक भक्त पुत्र को कितना प्यार कर सकते हैं यहां पर वर्णन। तो उन्होंने सब कुछ बताया किस प्रकार के पहले दिन में तमसा नदी के किनारे गए, श्रृंगवेदपुर निषाद रास से मिले, उसके बाद फिर केवट की कथा बताई। सब बताने के बाद अब भरद्वाज ऋषि आश्रम के वहां चले गए। फिर वाल्मीकि उनको खबर है क्योंकि इन्होंने बताया निषाद राज ने, तो वहां तक गए। फिर ये सब बताने के बाद वशिष्ठ जी और पिताजी का माने राम जी का संदेश भी बताया। लक्ष्मण जी ने जो कठोर उस वचन कहा था उन्होंने मना किया था भगवान राम ने मत बोलना, तो उन्होंने वो नहीं कहा। माता सीता जी के बारे में पूछा, सीता जी प्रणाम कहा है, इस प्रकार के सब बताने के बाद अब मगर भय कोलाहल राजा के रनिवास में विलाप हो रही है। कौशल्या के विपत्ति जैसे आ गया है, प्राण कंठगत भय भानु, राजा के प्राण कंठ तक आ गया है। जैसे मणि के बिना सांप कैसे जीवित रह सकता, इंद्रियां सब विकल हो जाती है, जैसे बिना जल के तालाब में कमल का सूख जाता है। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी होकर के हृदय में उनको लिया और उनके गोद में ही कौशल्या जी के गोद में रहा, धीरज बंधाया। फिर उन्होंने कहा कि फिर बीच बीच में उड़ जाते थे, धीर धर जो उठे भोट भालो, कह सुमंत्र कहा राम कृपालो, कह लखन कहा रम राम सनेहु, कह प्रिय पुत्र वधु वै देहि, बिलवत राव बिकल बहु भाते, भाई जोग सरी ससि राते धराते, तापस नंद साप सुधि आई, कहा जाता है अपने अपने कर्मों को ही फल भोगना पड़ता है। ये बात मर्म के बाद हमने किसी को नहीं बताया था। जब हमारी शादी नहीं हुई थी युवराज का, इसके लिए अलग अलग कथा है कि मैं एक बार शिकार करने के लिए गया और जंगल में दशरथ बड़े शिकारी थे, शब्द वेदी बाण भी उनको पता था, अर्थात जो शब्द करता है आवाज से जान लेते हैं कि यहाँ हाथी है यहाँ बाघ है। जैसे जिम कार्बेट है ना, देहरादून ऊपर जाओ जिम कार्बेट पार्क, जो जिम कार्बेट है वो विदेशी यहाँ भारत आए और देखा कि गांव के लोगों को ये जो बाघ है वो मार रहा है खा रहा है, उनको दया है और वो रहने लगे वहां, उनको कुछ पता है उनके बारे में बहुत किताबें भी, इसलिए उन्हीं के नाम पर हुआ जिम कार्बेट पार्क नेशनल पार्क। तो उनको पता चल जाता था कि पक्षियां कैसे आवाज कर रही है, चूहा कैसे दौड़ रहे हैं, क्या है आवाज आ रही है सब। तो इस प्रकार दशरथ को शब्द कोई हाथी पानी पी रहा है पता चलता। तो श्रवण कुमार के पिता श्री अंधे, पिता और माँ अंधे थे, उनको लेकर के जा रहे थे और वहीं पर ही ये श्रवण कुमार जब कलश लेकर के पानी लेने के लिए गए थे तब क्या हुआ, ये जो कलश के पानी की जो आवाज है उन्होंने सोचा कोई हिरण है कोई हाथी है कोई बाघ है, उन्होंने तीर लगा दिया तो श्रवण को लगा, ये खुद बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे किया। श्रवण ने कहा कि आप है कौन, आपने बिना कारण को क्यों मार दिया, मेरी गलती से लग गया है अभी तो तीर नहीं आ सकता। तो ठीक है
मेरे पिताजी माताजी अभी उसे गुफा में है, उनको पानी दे दीजिए। कौन आवाज कर रहा? तो उसके बाद वो पहुंचे, उन लोगों ने भी जान लिया क्या श्रवण कुमार मेरे बेटे इतना विलंब क्यों कर रहे। जो श्रवण कुमार के जो प्यार है पिताजी माताजी के प्रति, उनको पता है, देखा कि ये जो पद चिन्ह, ये जो पद की आवाज, कोई आवाज भी नहीं है, ये कोई दूसरा, तो क्या हमारा श्रवण कुमार नहीं हो? पानी दिया, पिया ने पहले पूछो तुम है कौन? उन्होंने बताया कि मैं राजा दशरथ हूं, गलती से तीर लग गया है, अभी जो भी आप बोलेंगे मैं दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, बस तुमने हमारे पुत्र के विरह से हमको शरीर जीवन हमारा चला जाएगा, तुम्हारे भी पुत्र का वियोग में तुम्हारा प्राण चला जाएगा कौशल्या। मुझे लग रहा है ये जो तापस का, देखो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा तापस गंध साप सुधियाई, कौशल्या को कहा भयो विकल वर नतस इतिहास, इतिहास का वर्णन करते करते व्याकुल हो गए, कहने लगे राम के बिना मेरा जीवन धिक्कार है। सोत राख करव मेका जेहि न प्रेम पन मोर निवा। 155 निकल उसके पहले हार गुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम्हारे बिने में बहुत दिन जीत बीत गया। हा जानकी लखन हार गोबर हा पे तो हित चित चातक जल, पिता के चित्र रूप चातक के समान तुम हो, ये प्रसिद्ध दोहा है। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, धन परिहरि रघुवर बिरह राहु सुर धाम। 6 बार राम है, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, धन परिहरि रघुवर बिरह सचमुच। दशरथ ने ऐसे कहकर के सुरधाम चले गए, मुक्ति धाम हो गए, सीधा गए और उनका जन्म उनका मरण भी सफल हो गया। जन्म इसलिए हुआ कि राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करना, मरण इसीलिए सफल हो गया कि भगवान राम को विरह से जिया तक नहीं छोड़ दिया अपना शरीर। तुरंत वशिष्ठ जी रानियों के अंदर व्याकुल हो गए, रोने लगे, चारों तरफ सारा अयोध्या में शोक हो गया, सन्नाटा छा गया। दशरथ ने देखा कि अभी इस समय अनर्थ हो जाएगा, कोई आक्रमण भी कर देगा, उनको पता भी है निशाचर लोग हैं, राम अभी वनवास गए हैं और रावण जैसा अलग अलग बाणासुर, जैसे रावण श्रीलंका के है और बाणासुर उधर काशी का है, कोई ना कोई कर देगा, तो इसलिए उस समय तो पावरफुल थे। अभी तो श्रीलंका डूब रहा है इकोनॉमिक्स, श्रीलंका डूब रहा है, पाकिस्तान के तो हालत पता ही हो गया आपको, मैं बता रहा था और हो गया, फिर और एक देश है, तो इस प्रकार के हालत है। तो समाज में जो ज्ञानी है ना वशिष्ठ, उन्होंने तुरंत खबर दे दिया, दूत को बुलाया और बुला करके भरत को बुला निकले। और इधर भरत उसी रात में स्वप्न देखे, स्वप्न देखे हैं कि मेरी जो 3 माँ है ना वो सफेद साड़ी पहने, तो सफेद साड़ी नहीं पहना जाता, जब कोई मर जाते हैं तभी सफेद साड़ी पहना जाता है, तो अर्थात विधवा है ये उन्होंने अनुभव किया। वो ज्ञान, वो इतना भक्त, उनका अंतःकरण इतना शुद्ध है, जो घटना घटने वाली वो उन्होंने अनुभव किया, तो उनका मन भी विचलित हुआ, सोच ही रहे थे खबर आ गया कि गुरु वशिष्ठ ने खबर बुलाया, तुरंत आप घोड़े में बैठ कर आ जाओ। ये क्या बात है, गुरु वशिष्ठ तो ऐसा आदेश नहीं देते, पिताजी का आदेश होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने दिया मरीज कार थे, कहीं इमरजेंसी तो नहीं लग गया,
इमरजेंस होता था राष्ट्रपति शासन हो जाता है, इसका आपको पिताजी को कुछ असुविधा तो नहीं हुई? तो उन्होंने ये सोचा और फिर उसके बाद आए। अब जब आए तो इन्होंने भी सोच के अब क्या कैसे आएंगे, देखा कि सब लोग शांत है रास्ते में, कोई स्वागत नहीं कर रहा है। कुछ कुछ जो चमचे लोग हैं ना, जो राजा बनने वाले, वो स्वागत कर रहे हैं। कुछ कुछ जो राम भगवान को प्यार करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनको भी पता है, वो सब मुंह फेर रहे हैं। इस प्रकार के देख करके बहुत दुखी हुए और भारत जी कई कई के मान ले। कुछ लोग तो राम को प्यार करने वाले, देखो इन लोगों को साजिश है, ये भरत जी भी छिपा हुआ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, कोई कहते ऐसे नहीं, ऐसे छुप 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 के बातें हो रही। फुसफुस इसने कहा देखो ये इसलिए गए, उनको पता है कि भगवान राम कैके के पास हमेशा रहते थे, इसलिए जरूर राम कैके के मेरी माँ के पास हो, और सांझ के समय है, ये भी सांझ के समय जाके पहुंच रहे, और पिताश्री जरूर कैके के पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब राम है वहां पिताजी है, इसीलिए कैके के पास गए। ये नहीं कि कैके को प्यार करते, ये नहीं कि ये साजिश हो गए वो प्लान में, बिल्कुल नहीं। भरत जी को तो छू नहीं सकता, ये कौन सर्टिफिकेट देता है? भगवान राम देते हैं, लक्ष्मण को कहेंगे आज के प्रसंग, छू नहीं सकता। जब वो गए तो खुश हो गए, कई कई तुरंत मंथरा आ गई, बाकी सब दासियां जो है वो सब आ गए, और जब आकर के आरती करने लगे, कुशल भरत ने कुशल पूछा, पिताजी कहाँ है? माँ मेरी, बाकी सब माताएं कहाँ गए? दो माताएं कहाँ गए? सीता जी कहाँ गई? भाभी कहाँ गई? भगवान कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? जहां भगवान है वहां लक्ष्मण है। पुत्र के निष्कपट सरल वचन सुनकर के कैकेयी ने बोल के कुछ चिंता मत करो बेटा, तेरे लिए मैं सब कुछ बना लिया, और ये बेचारी मंथरा मेरे लिए बहुत सहायक हुई। क्या सहायक हुई आपको पता ही है, कई कई बोल रही है अभी तक परिवर्तन नहीं हुई है, परिवर्तन तब होगी जब भरत छोड़ेंगे, और बीच में क्या करें? सुनो, बीच में ही सब गड़गड़ हुआ, कछु को कांच विधि बीच बीकार, बस बीच में विधि में ना भाग्य ने ये काम बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति पुरगरो पगुधार, तुम्हारे पिता श्री राजा सुरधाम चले गए, भारत सुनते ही विषाद आवे, तात तात हां तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, पिताश्री गिर गए, ये आरती लिया नहीं कुछ नहीं, नीचे ही गिर पड़े। चलतन देखत पायो तो ही, उनके अंदर इतनी भावनाएं, वो चल नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु पिताजी आप ऐसे कैसे चले गए? क्या भाव भरत जी का देखो, आपको मुझे राम के सौंपना चाहिए था, आपको आप ऐसे छोड़ के कैसे चले गए? मैं केवल यही, मेरे मन में यही था कि आप मुझे सौंप देंगे कि भरत तुम राम को समर्पण करो, और राम को कहेंगे कि मैं जा रहा हूं तुम भरत को देख लेना, अब तुम भरत को जैसे मैं मेरा पुत्र है इसे तुम देखना, बस यही चाहता था आपके मुख से, आप कहेंगे क्यों चले? फिर उसके बाद पुत्र का वचन सुन के कह के सोचा कि अभी कैसे करूं, ये तो इस प्रकार को हो गया, मैंने सोचा ही नहीं था, सोचा कि ये तो ग्रहण कर ले। भरत विसरो पितु मरण सुनत राम बन कौन, जब कहा कि बात यह है कि मैं वरदान दो मांगा था, एक है तुम्हारे लिए राज्य, दूसरा है
राम वनवास, सुनते ही राम के वनवास हुआ है और तेरा है मेरे कारण, तब पिताजी का मरण भी भूले। भरत सुनत राम बन गौर हे तो अपने हो जानी जिय थकित रहे धरि मौन। बस मौन हो गए और कुछ भी बोल नहीं पाए। उसके बाद सप्तघ्न थे वो मंथरा कारण करके इतनी पिटाई की ना, तो फिर वो चिल्लाने लगे वो मरते हुए, तब माने भरत ने बंद किया शत्रुघ्न छोड़ो। फिर उसके बाद हे माँ राम लक्ष्मण पिता जैसे भाई मिले मैं कितना धन्य हूं, सीता जैसे भाभी मिले पर मैं अपने भाग्य को कोसता हूं कि किस प्रकार के मैं, मेरी माँ ऐसे क्यों होगी, मेरी माँ इस प्रकार की क्यों हूं, विधाता इस प्रकार के क्यों मुझे दिया, मुझे मरण क्यों नहीं दे दिया, और ये माँ तुमने ये कैसे सोचा कि मैं राज्य ग्रहण करूं राम को छोड़ करके, और राम को राम ही इस राज्य के अधिकारी है, वो मेरे भगवान है, तुमने कैसे सोचा, मुझे यही दुख लग रहा है, और तुमने द्वितीय वर में मांगा उनको वनवास, बस मैं अभी शपथ करता हूं तुमको मैं मां के रूप में त्याग करता हूं। बस करके कौशल्या के पास आ जाते हैं, और चलिए कौशल्या के जो पास आते हैं उस बातों को देखते हैं। 164 मातु भरत के वचन मृदु सुनी पुनी उठी संभारी लिए उठाई लगाई उड़ लोचन मोचति पारी। देखो कौशल्या का चरित्र ऐसा है कि भगवान राम का जब वनवास हुआ तब उन्होंने कैकेयी को भी कुछ खराब नहीं सोचा, कहा कि हाँ तुमने माता का आदेश पालन करो करके द्वितीयतः कानाफूसी बहुत हुई होगी कि भरत के चाल है मगर भरत के बारे में भी उन्होंने कभी भी सोचा नहीं, वरन तो भरत के इंतजार कर रहे थे कि अभी ये राज्य संभाल ले। राम तो वनवास गए सत्य वचन पिता के वचन पालन करने के लिए, और ये वचन पालन ये भी करे, पहले दो नंबर पहले हो गया और ये पहला नंबर ये करे। मातु भरत के वचन सुनी पुनी उठे संभारी, भरत भी किस मुख से अभी माँ के पास आए, जिस माँ के पुत्र को जंगल भेजने का कारण मैं हूं उस माँ को मैं कैसे मुंह दिखाऊं, ऐसे सोच रहे। भरत की ग्लानी और कहीं नहीं है, पूरे टोटल ग्लानी ग्लानी भरा हुआ है, मगर ज्ञान है, धर्म के धुरंधर है और प्रेम मूर्ति है। जब भगवान का प्यार मिलता है तभी ही वो संभलते हैं। माता कौशल्या भी है, तुरंत संभलती है, उनको भरत को उठाकर छाती से लगा देती है, नेत्र से आंसू बहाने लगते। साधारण के रूप में कोई होता कि तेरे कारण ही मेरा बेटा जंगल गया दूर हो गया, मगर कौशल्या महामहिम कितनी उदार है, तभी तो उनके कुख में भगवान आ सकते। तो पढ़ते हैं सरल स्वभाव माही अलाय, सरल स्वभाव माही अलाय, अतीत मन राम गिरियाय, अतीत मन राम गिरियाय, लखन लघु भाई सो
महतो भरत गोदो छाती में पकड़ लेती है, प्यार देती है भरत को, मानो श्री राम ही लौट करके आ गए। लग रहा है कि श्री राम ही लौट करके आ गए हैं। अभी कोई सहारा तो अयोध्या के लिए है। अयोध्या एक जहाज है और शोक सागर है, तो शोक सागर में अयोध्या डूब रहा था, उसके लिए कोई एक नाविक चाहिए। तो भरत जैसा नाविक उन्होंने देखा और राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। तुलसीदास जी कहते सचमुच ये राम की माता का ही स्वभाव हो सकता है। तो माता ने भरत जी को गोद में बैठाया, आंसू पोंछ करके कहने लगे, मैं बलिया लेती हूँ भरत, तुम धीरज रखो, बुरा समय में हम लोगों को काल और कर्म की गति जो कोई नहीं जान सकता है, किसी को दोष मत दो। विधाता सब उल्टा हो गया, इतना दुख होने पर भी हम लोग जी रहे हैं, ये श्रेष्ठ है। पिताजी की आज्ञा है, राम जंगल गए, अब तुम राज्य शासन राज्य भार। जब राम को वनवास जाना है तो सीता भी गई साथ में, लक्ष्मण को भी साथ में लेके गए। मैं तो कह रहा हूं मुझे भी जाना चाहिए था, मैं नहीं गया हूं, अभागी नहीं हूं, मैंने अपने प्राण को भी त्याग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा शरीर भी छोड़ा नहीं, मेरे जो स्नेह है राम के प्रति उससे मुझे ही लज्जा आती। राम शरीर का पुत्र मुझ की मां हूं, जीना मरना तो देखा जाए तो तुम्हारे पिताजी ने किया। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान रह रहा है। तो इस प्रकार की प्रलाप करती है। भरत भी मां को समझाते हैं कि श्रेष्ठ वही पुत्र होते हैं जो धर्म का पालन करते हैं। भैया ने श्रेष्ठ काम किया है, कर्म वचन मन से उन्होंने अपना धर्म निभाया है। इस प्रकार के कह करके वो रात बीत जाती है, भरत जी वहीं रहते हैं। अब नेक्स्ट डे वशिष्ठ आते हैं, जो क्रिया कर्म है भरत को उपदेश देते हैं। भरत गुरु को देखते ही प्रणाम करते हैं, फूंक करके रो उठते जोर से रोते हैं। वामदेव जी भी आते हैं, सब जो ब्राह्मण है पंडित है सब आते हैं। उठे भरत गुरु वचन सुनी करने कबीर सब आज।
फिर उसके बाद श्राद्ध कर्म होता है। जो जो भरत वशिष्ठ कहते हैं भरत जी करते हैं, और अभी भरत जी राजा है, खुद वशिष्ठ जी भी भरत जी से पूछते हैं ये दान देना चाहिए, ये दक्षिणा देना चाहिए, सब कुछ कर लेते हैं, कोई कमी नहीं रखा हुआ। यही तुलसीदास जी इसको दिखाकर कहते हैं कि अर्थात हम लोग विवाह आदि संस्कार में, भोग आदि संस्कार में तो उड़ा देते हैं पैसा, मगर जब कोई पूजा होता है, प्रवचन होता है, संस्कार होता है, ये श्राद्ध क्रिया, उसमें हम कंजूसी करते हैं। तो इन्होंने भरत जी ने कहा सब कुछ करना है। अब है एक दो दिन, किस दिन के बाद राज्यसभा, राज्यसभा में अभी तो राज सिंहासन में कोई नहीं बैठ सकता, वो अलग अलग जो सीट है उसमें बैठे हैं। कहते हैं तीन माताएं हैं, मगर कहा जाता है कई कई तो आई नहीं, अंदर ही थी। रामायण में भी इतना सुंदर दिखाया गया है, उसके बाद वो नहीं आई, जब से भरत ने त्याग कर दिया बस अपने ही महल में पड़ी रही। मंथरा भी इस प्रकार कोई के कहते नहीं तीनों रानी थे, क्योंकि कई कई आई थी वनवास भरत जी के साथ, तभी भगवान राम ने पन किया कि तुम ये पन हटाओ, तो भरत जी ने स्वीकार भी किया। कैकेयी से भगवान मिलते भी, पहले ही भगवान कैकेयी को प्रणाम करते। तो इस प्रकार के अलग अलग कथा हैं। अब राज सिंहासन में सोचते तीन रानियां बैठी हुई है, वशिष्ठ बैठे हैं, वामदेव बैठे हैं, सब ब्राह्मण सुमंत्र बैठे हैं, अब सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश बढ़िया है, ये वाला भी हम लोग जो प्रवचन लेते हैं 5-6 दिन का होता है। शोक नहीं करना चाहिए, किस किस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, सुनो 171 सुनो भरत भावी प्रवर बिलखित हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस पजस विधिहात। उनको शोक नहीं करना चाहिए, अब कहां कहां शोक नहीं होना चाहिए और कहां कहां शोक होता है। कहते जो शोक को मत थोड़ा पढ़ लेते, सोचिया बे प्रजो बेत बिहाना, ताजी 171 ताजी निज धर्म विषय लय ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ता है वो है शोक योग्य, जो धर्म पालन नहीं करता है, भोग में रहता है, वो शोक योग्य। ऐसे राजा जो नीति नियम में पालन नहीं करता है राज्य, वो शोक करने योग्य। ऐसे वैश्य जो बिजनेस करने वाले हैं, धनवान होकर भी कंजूस रहता है, वो शोक करने योग्य। अतिथि सत्कार शिव जी की भक्ति नहीं करता है, ऐसे शूद्र जो सेवा नहीं करता है वो शोक करने वाला है। इस प्रकार के कई गिनत बता रहे राजा दशरथ, शोक करने के लिए यही नहीं, क्या भाग्य उनका, कहो तात कही भाति को करी बड़ाई ताशु, राम लखन तुम शत्रु बना सरी ससुवन सुचिचार। हे तात भरत सुनो, मैंने सोचो वन ऑफ द बेस्ट प्रवचन, पार्लियामेंट्री प्रवचन जो आजकल सब अलग अलग टॉक देते हैं ना, पार्लियामेंट सेशन टॉक, ऐसे था राज्यसभा में भरत वशिष्ठ उठते, सोचो तो पहले सब लोग बैठे और वशिष्ठ उठते और ये कहते उनकी बड़ाई क्या कहें, क्योंकि दशरथ के जो विनय है और दशरथ के जो गुरु प्रति भक्ति है
वो खुद वशिष्ठ जानते हैं, इसलिए उनकी बड़ाई क्या कहें। पहले तो उनका कितना भाग्य है तुम्हारे जैसे पुत्र चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कम बात है। राजा सब प्रकार के बड़े भागी है, विषाद करना उनके लिए व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर शोक नहीं होना चाहिए। यह सुनी समझ सोच पर रघु सिरधरी राज अभी नियम के अनुसार तुम राजा बन जाओ। राजा ने राजपद तुमको ही दिया है, वचन के अनुसार भी तुम्हारी है। पहला वचन है भरत राज्य है, दूसरा वचन है राम वनवास। क्योंकि तुम नहीं थे इसलिए राम वनवास पहले कर दिया और अभी तुम्हें ये करना है। राजा के वचन प्रिय थे, प्राण जाय वर वचन न जाय जो कहा गया है, इसलिए पिता के वचनों को तुम्हें भी पालन करना चाहिए। इस प्रकार के सुंदर प्रवचन दिया। माँ कौशल्या ने भी प्रवचन दिया। माँ कौशल्या ने भी कहा कि तुमको यही जो बातें है तुम्हें भी पालन करना चाहिए। परम तुमार राम कर जानी ही सो सब विधि तुम सन भल मानी। सोंप ही राज राम के पाए सेवा करो सो सुहाए हित हमार सियपति सब काई सो हरि लीन मात को खिलाए। इस प्रकार के हुआ। उसके बाद फिर सब प्रवचन के बाद अब भरत जी क्या कह रहे हैं, फिर वशिष्ठ भरत जी क्या कह रहे हैं सुनिए। 182 कब का पूछा का 188 इसका अर्थ है आपके लिए सिलेबस नहीं है और हम ही बोलेंगे। भारत तक के सुंदर वचन जो बोल रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया है। वो भरत जी वचन सुंदर दिया, उसका सारांश सुन लीजिए। मुझे ये डर नहीं है कि मुझे कौन क्या कहेगा, बस मुझे मेरे हृदय में एक ही है मेरे भगवान, मेरे कारण मेरे भगवान दुखी हो रहे। एक ह्यूर बस दुसह दवारे मुहि लगी भे सियराम दुखारी। बस यही दुख है और कुछ दुख नहीं, मैं केवल यही चाहता हूं। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुण दिन तक कहता हूं आप निदार न दीनता कहो सवय सिरुनाई देखे बिन रघुपद नाथ पद जिय के जगनी न जाय। जब तक मैं भगवान राम का दर्शन नहीं करूंगा मेरे जलन नहीं हो जाए, मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं है केवल यही। मैं यद्यपि मैं बुरा हूं अपराधी हूं, मुझे कुछ लोग क्या कह सकते हैं कि इसी मंत्रणा में मेरा भी सहयोग है, कोई कुछ भी कहे केवल यही है मेरे भगवान कुछ न सोचे। राम जी का जो सील संकोच है वो मैं टेढ़ा हूं, मैं गलत किया हूं, सबसे अच्छा होगा कि हम लोग भगवान के पास जाए। बस भरत के वचन सुनकर के सब खुश हो गए और क्यों ना सब लोग प्रशंसा करने लगे, क्यों ना भरत आप ही प्रेम मूर्ति भरत को आप आपके जो वचन है ये आपके मुख से सही लगता है। राम ही भरत ननाव जाई सगुन कहो अस विग्रह नाही। भगवान राम को लेकर के आना है यही सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रकार के नगर के सब लोगों को अच्छा लग रहा है, खबर मिल गई है कि भरत अभी बना जंगल जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं भगवान राम को वापस लाने के लिए, एवं राज तिलक वही कराएंगे। समस्त जो सामग्री वो लेके जा रहे हैं सब खुश हो रहे, तिलक का सामान भी ले लिया जा रहा है और जिसको जिसको जाना है वो भी जा सकते हैं। तो बड़े ही खुश हो गए सब लोग। तो सब लोग जो जो नहीं गए थे ना राम जी के साथ, और कोई थे देखो हम लोग रात में सो गए थे
इसलिए अभी सोना ही नहीं है। हाँ पिछले प्रवचन में हम आए नहीं थे, अभी ऐसे करेंगे ही नहीं है, तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, सब लोग खुश है, उमंग है, इस प्रकार के प्रेम मग्न सब हो गए। कोई कोई कहते हैं हमने तो 14 साल तक नियम बनाया केवल दूध पी करके रहेंगे, पय आहार फल असन एक निश्चय भोजन एक लोग, कुछ लोग केवल पय दूध पीकर रहते हैं, कुछ लोग केवल एक ही दिन फलाहार करते हैं, कुछ लोग केवल रात को ही मतलब भोजन करते हैं, कोई रात को छोड़ ही देते हैं, कोई दिन में भोजन करते हैं रात में भोजन नहीं करते हैं, कोई रात को भोजन करते हैं कोई दिन में भोजन नहीं करते हैं, ऐसे नीति नियम केवल राम जी के लिए कर रहे हैं। रात भर वो लोग भी ऐसे ही जैसे भगवान गए थे सरयू नदी के किनारे रहे, अब ऐसे हैं जब चल पड़े तो भरत जी ने नियम बनाया कि मैं कैसे रथ में जाऊं, जब भगवान राम अभी जंगल में घूम रहे हैं, देखे सने लोग बनस्य राम समझ मन माही सानुज भरत पया नहीं जाई, भरत ने केवल पैदल चलते गए, देखा भरत रथ से उतर करके पैदल जा रहे हैं, शत्रुघ्न भी जाएंगे बाकी लोग भी जा रहे हैं, एक सने लोग अनुराग उतर ही चले अभय अभय रथ त्यागे, सब लोग अपने अपना रथ जो बड़े बड़े हो उस सब उतर गए। फिर माँ कौशल्या गई, माँ तो कौशल्या कहीं कहीं सुमित्रा रथ में ही थे, उनको राजमाता भी है, उन लोगों को नियम भी पालन करना पड़ेगा, चल के नहीं जा भी सकते, गुरु वशिष्ठ सम्मान पालन करना पड़ेगा, उनको भी नियम पालन करना पड़ेगा, तो माँ की जो डोली है बस सेवक को कहा कि भरत के पास लेके जाओ, भरत के पास लेके कहते देखो तात चढ़ो रथ बलि महतारी, सुनो तुम्हारे कारण ना बहुत लोग पैदल जा रहे, और कोई रोगी है, कोई नियम कर रहे, कोई खाना पीना नहीं खा रहे, तो इसलिए तुम क्या करना, तुम चढ़ जाओ। तो रथ चढ़ी चलो तो भाई दो बाही, इसी के कारण फिर चढ़ गए, और उसी के बाद आगे श्रृंगवेरपुर आते हैं, पहला दिन के बाद द्वितीय दिन श्रृंगवेरपुर आते हैं। श्रृंगपुर में क्या हुआ सुनते ही कि भरत सैन्य के साथ आ रहे हैं अस्त्र शस्त्र के साथ, तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो हम युद्ध करेंगे, क्योंकि राम के हम सखा है, राम के हम भक्त है, ये कभी जीवत पाँव न पाँच पर रही, मेरे जीते जी पाछे पाँव नहीं रख सकते, कोई भी नहीं आ सकता, सुनो सब नौका को डुबा दो, कोई पार नहीं हो सकता है, इस प्रकार के आदेश देते गए। तो इस प्रकार दीख निषाद राज भरत बोलो सुनो सुनो ये करके सबको बुलाया, सब अपना अस्त्र शस्त्र पकड़ो। इसी समय बूढ़ा एक कह सबन विचारे, एक बूढ़ा किसने छींक दिया, तो एक वृद्ध ने कहा देखो 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 जो छींकना है ना अच्छा माना जाता है, तुम लोग ऐसे जल्दीबाजी में काम मत करो। और क्या हुआ तो राम ही भरत मनावत जाए, ये गलत बात है, राम भगवान को मनाने के लिए आ रहे हैं, शगुन करे विग्रह नाही, इसमें विरोध नहीं है, ये बात सही है समझो। तो उन्होंने क्या किया परीक्षा करने के लिए तीन सामान दिया, एक है एक जगह पर है कंदमूल फूल, सेकेंड जगह पर है जो मछली, एंड थर्ड जगह पर है मांस, जो ग्रहण करके पता चल जाएगा भरत के अंदर क्या इच्छा क्या मन है। अगर फल ग्रहण करें तो सात्विक, मछली ग्रहण करें तो राजसी, मांस ग्रहण करेंगे तो तामसी। भरत तो इन तीनों से परे हैं, ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नियम बनाया जब तक मैं भगवान राम से मिलूंगा नहीं कुछ खाऊंगा नहीं कुछ पीऊंगा नहीं, यहां पर भी प्रमाण है, और भरद्वाज ऋषि के पास जब जाते हैं तब भी, तो तब बड़े खुश हुए। अब जब सुना कि राम राम कहते हैं सारे रात केवल भगवान के ही चिंतन करते हैं, भगवान को मनाने के लिए जाते हैं, तो निशा पर तोड़ते करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई मन हुलखना सन भेट वही प्रेम हृदय समाई। 193
आपके सिलेबस में है मगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो अर्थ क्या है, दंडवत करते करते छाती से लगा दिया, जैसे लगा कि लक्ष्मण से मिल रहे हैं। भेट द भरत ताहियति प्रीति लोक सिहाय प्रेम करीति, उन्होंने देखा कि भरत सचमुच क्या है, प्रेम की मूर्ति है, राम के प्रेमी भरत है, प्रेम मूर्ति भरत इसमें कहा जाता है, प्रेम की मूर्ति है वो सचमुच। एंड उसके बाद भरत मिलते हैं, जहां रात में भगवान राम और सीता सोए थे वहां भी जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वहीं नीचे दंडवत होकर के बैठते सोते भी। और जो लक्ष्मण निषाद राज ने कहा मुझे इसी जगह पर लक्ष्मण ने उपदेश दिया था, कहा लक्ष्मण धन्य जो राम के सेवा करने के लिए, मैं तो पापी हूं, मेरे कारण वनवास जाना पड़ा। इस प्रकार के सारे राम 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 कहते गए। यही भी निमज्जन भरत करी गुरु अनुशासन पाई। उसके बाद तृतीय दिन आ जाते हैं, जैसे जैसे भगवान गए भरद्वाज आश्रम को जाते हैं। भरद्वाज आश्रम को जब पहुंचते हैं तब क्या बताऊं, उन्होंने सब कहानी भी बताया, पूछा उन्होंने कि भरत तीसरे पहर कह तो सतिन, भरत तीसरे पहर कह की न प्रवेश प्रयाग, कहत रामस्य रामस्य उमोगी उमोगी अनुराग। पढ़ते झलका झलकत झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश सकन जैसे, भरत पाया नहीं आए आज, भय दुखित सुनि सकल समाज, खबर लेन सब लोग नहाए, भगवान मुझे दूर तो नहीं गए, मेरे कारण भगवान को जंगल जाना पड़ा, ये पश्चाताप है, ये दिल जा रहे हैं इसलिए छाले पड़ गए, चला खबर चलेगी ये पैदल आए हैं अयोध्या से प्रयागराज तक, पैदल आए सब लोग आ गए, सारा समाज दुखी हो गया, उनको दर्शन करने के लिए आ गए। कुछ दिन पहले तो राम जी का दर्शन किया था हम लोगों ने, क्या भाग्य कि आज भारत को भी दर्शन कर रहे हैं, गंगा यमुना के जो श्वेत और श्याम वर्ण है उसमें उनने स्नान किया, पूजा किया, श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को दान दिया और उनके जीवन में कुछ भी नहीं चाहते थे, मांगो घी का त्याग निज धर्म, आरत आरत काहू न करहु करहु, मैं कुछ त्याग बस यही भीख मांगता हूं, मैं कुछ भी कुकर्म नहीं करना चाहता हूं, हृदय में जानकर उत्तम दानी जगत में मांगने वाले के वाणी को सफल किया करता है। तो हे जमुना हे गंगा उनको प्रणाम करते हैं, ये प्रसिद्ध दोहा है।
अरथन धर्म न काम रुचि गति न चरम निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह पर मुझे कुछ नहीं चाहिए ना अर्थ ना धर्म ना मोक्ष कुछ नहीं चाहिए केवल भगवान राम के प्रति मेरी यार चाहिए। तो फिर भरद्वाज से मिलते हैं, भरद्वाज मुनिवर आए, भरद्वाज को प्रणाम करते हैं और तुम गलान जियो जनी करो समझ मात करतो थी माता जी करतो थी समझ कर तुम ग्लानी मत करो भरत, कहीं कहीं कभी कोई दोष नहीं है, गई गिरा मुनि धोने सरस्वती बिगाड़ के रखी है, ये भाग्य की बात है तुम चिंता मत करो। यही फिर उन्होंने पहुंचे, तुम तो भरत मोर मत है वो मेरा मत है सुनो धरे देह जन राम संग, तुम अपने आप को क्यों संकुचित करके रखते हो, भगवान राम का स्नेह ही तुम हो, भगवान राम का स्नेह अगर शरीर धारण कर सकता है वो तुम, अर्थात भगवान के प्रति कोई स्नेह कर सकता है वो तुम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं सच सच बता दो बातें, भरत जी बोल रहे, भरद्वाज जी बोल रहे, सच सच बता रहा हूं दो बातें। एक बात यह है कि भगवान राम के मुख से किसका नाम अगर आ रहा था तुम्हारा ही नाम आ रहा है, भरत मेरा भरत कैसे होगा, मैं भरत मेरे बिना कैसे रहेगा। और द्वितीय था मैं जानता हूं मेरे अनुभूति भगवान राम का दर्शन करना किसी भी साधक के लिए लक्ष्य है। सुनो भरत हम झूठ न कहई, कौन कह रहे भरद्वाज है और वो कौन है बृहस्पति का पुत्र है और वो कौन है वाल्मीकि का शिष्य है, अभी हम लोगों ने देखा था पहला दिन वाल्मीकि का शिष्य है ये भरद्वाज और बृहस्पति का पुत्र है, वो कहते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे, उदासीन तापस बन रहे, हम उदासीन है किसी पक्षपात नहीं कर रहे, तापस तपस्या करते हैं बन में रहते हैं तुलमुल खाते हैं ऐसे तपस्या करके रहते हैं, सब साधन कर सुफल स्वभाव, बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है लखन राम स्वभाव, मनुष्य जब साधना करता है क्यों करता है, साधना का लक्ष्य क्या है, क्यों साधना करता है, केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए, राम दर्शन को प्राप्त करने के लिए। और याद रखना ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, अभी प्रश्न होगा मैंने भी सोचा था क्या, जब मैंने भगवान का दर्शन कर लिया भगवान का दर्शन का फल क्या होगा, अब मुझे उत्तर मिल गया तुमको देखकर, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, भगवान राम का दर्शन का फल तुम्हारा जैसे संत का दर्शन। बोल भरत लाल की, प्रेम मूर्ति भरत की, थोड़ा सा भी भक्ति अगर आ जाए ना भरत जी का हमारा जीवन धन्य हो जाए। कौन देखो गुरु लोग शिष्य को प्रशंसा कर रहे, इसलिए नारद प्रशंसा कर रहे प्रहलाद को, नारद प्रशंसा कर रहे ध्रुव के बारे में वर्णन है, वैसे सही तो प्रयाग सुभाग हमारा, ये हमारा भाग्य है कि तुम्हारा दर्शन हम कर रहे, इसलिए चिंता मत करो। फिर रात में रुक गए, कहते हैं अष्ट सिद्धियों को अप्सराओं को बुलाया, सब लोग जितने सेना लोग को थो खाना पीना व्यवस्था कर रहे, सब अपना जो जो नीति नियम में कोई फल चाहता था कोई दूध चाहता था सब खा करके सोए, थक भी गए थे बहुत लोग, पैदल भी आ रहे थे। फिर भरत जी को अप्सरा लोग को भेजा सिद्धियां, कुछ ये आम खोलेंगे तो पानी देंगे, आम खोलेंगे तो कुछ सेवा करेंगे, थोड़ा लेटेंगे तो पैर सेवा करेंगे, सिर्फ बैठ के नीचे राम राम राम, जिस कुटिया में भगवान राम थे उसी कुटिया में जाकर के, जिस कुटिया में भगवान सोए थे बस उसी के चरण में बैठे रहे। सिद्धियों को पूछा भरद्वाज ने कि सब कुछ हुआ, तुमने कुछ सेवा किया, सेवा क्या करेंगे, केवल भगवान के ही चिंतन ही करते रहते। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, विदाई लिया और विदाई लेने के बाद अभी हम लोग बहुत
दो दोहे रह गया है, कल देखेंगे सिलेबस पीछे चल गया है, ठीक है 222 एंड 231 मुझे पता था होगा होगा कथा ऐसी है। चलिए आज आरती करें, मुख्य यजमान और अनीता अविनाश नहीं है, उनको लेके नहीं आ पाए तुम,